डेफिनेट आर्टिकल सीखते हैं, कहां पे दा लगेगा। सबसे पहली बात तो ये सीखो, कई बार तो हम बोलते हैं द और कई बार हम बोलते हैं दी। तो जहां पे आपका शब्द इंग्लिश वोवल से शुरू हो, साउंड से नहीं, सीधा वोवल से शुरू हो तो दी बोलते हैं, अगर वोवल से शुरू ना हो तो द बोलते हैं। कैसे? जैसे वोवल से शुरू हो रहा है, सपोज किसी भी वोवल से, जैसे ये शुरू हो गया और ऐसा लिख रखा है, तो हम बोलेंगे दी ईयर। और अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, यानी कि आ गया कार और इसके पहले द लगा है, यानी कि आ गया कार और उसके पहले क्या लगा है, तो हम कहेंगे द कार। ये फर्क होता है। तो आपने ये देखना है, यहां से जो, यहां जो अल्फाबेट है, अगर वो ए ई आई ओ यू में से है तो दी पढ़ो, अगर इनमें से नहीं है तो दा पढ़ो। ठीक है, अगर इनमें से नहीं है तो दा पढ़ो। अब एक्चुअली में ये दा लगता कहां कहां है, ये तो मैंने ओरल रूल बता दिया कि बोलते हुए जो काम आएगा। अब लिखते हुए दा कहां कहां लगता है, ध्यान से देखो। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री पे दा लगता है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री, जैसे कि बेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, क्लेवरेस्ट, वाइजेस्ट, इन्हें सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं एडजेक्टिव की। ये हमेशा या तो ईएसटी से खत्म होती हैं या मोस्ट से शुरू होती हैं। ईएसटी से खत्म होती हैं या फिर बच्चों मोस्ट से शुरू होती हैं। तो समझ जाना सुपरलेटिव है और दा लगाना है। किसी भी नदी का नाम है तो उस पर दा लगता है, किसी भी सी का नाम है दा लगता है, किसी भी ओशियन का नाम है दा लगता है। जितने भी होली बुक्स हैं सबके नामों पे दा लगता है। जितने भी डायरेक्शन के नाम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबके नामों पे दा लगता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर के नामों पे भी दा लगता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम पे भी दा लगता है, जैसे द हिंदू, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके से। इसके अलावा बेटा जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं सब पे दा लगता है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का मतलब है ऐतिहासिक बिल्डिंग्स, जैसे कि लाल किला, ताजमहल, इस तरीके से जितने भी। किसी भी प्लेनेट का अगर नाम है तो उस पर भी दा लगेगा, द अर्थ, द जुपिटर, द नेपच्यून, इस तरीके से। थैंक यू भावना। तो जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर दा लगेगा, किसी भी प्लेनेट का नाम है उस पर दा लगेगा। पर्वतों के नामों पे हमेशा दा लगता है, जैसे द हिमालयाज। पर अगर किसी पर्वत की चोटी की बात करोगे, पीक की बात करोगे तो दा नहीं लगता, जैसे माउंट एवरेस्ट पे दा नहीं लगता, क्योंकि वो चोटी का नाम है ना कि पर्वत का। तो पर्वत का नाम हिमालय है उस पे दा लगेगा, माउंट एवरेस्ट उसकी चोटी, पीक का नाम है, दा नहीं लगेगा। पीक को ही जेनिथ भी कह देते हैं आप, सबसे ऊंची चोटी, तो दा नहीं लगेगा। तो माउंटेन जितने भी आएंगे सब पे दा लगेगा। मैदानों के नामों पे दा लगेगा, जितने भी प्लेन्स, मैदानी एरिया का नाम होता है, मरुस्थल कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं, उन सब के नामों पे, जैसे दा सहारा डेजर्ट, इस तरीके से। तो जब भी मैदान का नाम बताओगे, किसी मरुस्थल का, डेजर्ट का नाम बताओगे तो उस पे दा लगेगा। जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट है उन सब पे दा लगता है, यूनिक ऑब्जेक्ट के नामों पे दा लगता है। यूनिक ऑब्जेक्ट के नामों से हमारा मतलब है अपने आप में एक है, जो जैसे सन, सूर्य अपने आप में एक है, समझ गए। ताजमहल अपने आप में एक है, लाल किला अपने आप में एक है। क्या लिख रहे हो विभव? अनमैरिज सिस्टर का सेट थे, पता नहीं क्या बोल रहे हो विभव, मेरे को सेंटेंस से समझ में नहीं आया। चलो, इन सभी के साथ दा लगाना होता है। आपने जहां पे भी किसी ग्रुप का नाम दिखाओगे उस पे भी दा लगेगा। यहां लिख देती हूं, अगर किसी ग्रुप का, झुंड का नाम दिखाओगे तो भी दा लगेगा, जैसे द क्लास, द जूरी, द कमेटी, द पंजाब, क्योंकि पंजाब को पांच नदियों का ग्रुप माना गया है, समझे।
जहां पर भी ग्रुप दिखाओगे उस पे भी क्या लगेगा, दा लगेगा। सलोनी इज सेड दैट, प्लीज रिपीट अगेन। ठीक है, ललन इज क्राइंग बट वाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होली बुक्स, होली बुक्स यानी पवित्र पुस्तकें, बाइबल, रामायण, महाभारत, गीता। रिपीट कर रही हूं भाई, सारा सारा रिपीट कर रही हूं। सुपरलेटिव डिग्री यानी बेस्ट, ईएसटी या मोस्ट से पता लग जाएगा। नदी का नाम जैसे कि गंगा, गोदावरी, कावेरी। सी ओशियन जैसे कि द अरेबियन सी, समझ गए, उनके नामों पे दा लगेगा। पवित्र पुस्तकें रामायण, महाभारत। डायरेक्शन यानी लेफ्ट, राइट, ईस्ट, वेस्ट। न्यूज़पेपर यानी द हिंदू, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यानी कि कोई भी, हवा महल हो गया जयपुर में, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट दा लगेगा। प्लैनेट जैसे हम अर्थ पे रहते हैं, जुपिटर है, इन सब पे दा लगता है। पहाड़ पर्वतों के नामों पे, हिमालय बताई दिया था मैंने आपको, छोटी छोटी पहाड़ियां भी होंगी तो भी दा लग जाएगा, क्योंकि वो यूनिक भी है ना, अपने आप में एक भी तो है। डेजर्ट के जितने भी नाम होते हैं, सहारा हो गया, जितने भी आपके डेजर्ट के नाम है, यूनिक ऑब्जेक्ट जो अपने आप में एक हो, चांद हो गया, सूर्य हो गया, इस तरह की चीजों के लिए। और झुंड के नामों पे, ग्रुप नेम के लिए भी दा लगता है। ग्रुप नेम जैसे यूएसए हो गया, दा लगेगा, क्योंकि यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड मतलब ग्रुप को दिखा रहा है, तो जब ग्रुप को दिखाओगे तो भी दा लगेगा, जहां भी ग्रुप को दिखाओगे दा लगेगा।